आने वाले दिनों में त्योहारों के दौरान सरकार को दाल की महंगाई जोर पकड़ने का अंदेशा है। इसके चलते सरकार अब नियंत्रण की कोशिशों में जुट गई है। सरकार को दामों में माल सहेज कर बाजारों पर काबू करने की कोशिश शुरू हो रही है। नेफेड अब अपनी बिक्री नीतियों में बदलाव करने जा रहा है। नेफेड दलहन के स्टॉक को रोक कर बेचेगा। वित्त विभाग से मिली सूचना के आधार पर नेफेड ने जरूरत पूर्ति के हिसाब से अपना माल बेचने का मन बनाया है। वित्त विभाग को डर है कि कहीं नेफेड अपना सभी माल बेच देती है तो फिर बाजार सरकार के हाथ में नहीं रहेंगे, इसलिए अब नेफेड अपने चने के टेंडर मार्केट में तेजी मंदी के अनुसार खोलेगी। इसके चलते मंगलवार को चने में लेवाली अच्छी देखी गई, जबकि बिकवाल कम होने से भाव में तेजी रही। चना कांटा 50 रुपये बढ़कर 5,550 से 5,600 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। हालांकि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चने से बने उत्पादों में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे चने में मंदी के आसार कम नजर आ रहे हैं। हालांकि नागपुर के ओर से फिर से कोरोना प्रतिबंधों का अगला दौर शुरू होने की खबरें भी बाजार में संशय पैदा कर रही हैं। मूंग में ऊंचे दामों पर लेवाल कम होने से भाव में आंशिक नरमी रही। इसके समर्थन में मूंग दाल और मोगर भी 100 रुपये टूट गए। मसूर में अच्छी पूछ परख बराबर बनी रहने से भाव में सुधार जारी रही। मसूर 7,700 से 7,750 रुपये प्रति क्विंटल बोली गई। उड़द और तुअर में कामकाज सामान्य रहा। भाव में कोई खास तेजी मंदी नहीं देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।